दोस्तों हम हैं बबाईचा गांव में और काफ़ी खूबसूरत जो बकरे हैं यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहे हैं। और केसर जी तेपन हमारे साथ में है। केसर जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर जी नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम केसर तेपन, कुशी तेपन गोट फार्म से। अच्छा, गांव का एड्रेस बता दीजिए। बबाईचा, अजमेर से 25 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा। अपना गाँव बबाईचा है। तो बबाईचा में तो काफी बकरे पाले जाते हैं ना? बकरे बहुत पालते हैं इधर हमारे। जैसे पिछले वीडियो में जैसे अपने देखा था, काफी खूबसूरत जो बकरे थे। बिल्कुल। और ये भी काफी, ये भी सारे खूबसूरत है, उससे भी खूबसूरत है। अच्छा। तो गांव में जैसे काफी शानदार जो पालन करते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। तो केसर जी मैं एक बार इनकी खुराक वगैरह का जानना चाहता हूँ। खुराक वगैरह क्या खिलाते हैं? खुराक में इसमें हरी पत्ती, जो पानी पिलाते तो मेथी का दलिया, जौ का दलिया ऐसे मिक्स करके और चने का चूर करा के ऐसे खिलाते। रोज की डाइट यही रहती है? रोज की फिक्स है इनके। अच्छा। वो नहीं कि एक दिन ये खिलाना, वो नहीं, रोज की जो फिक्स है वही है। तो जैसे इनकी शानी वगैरह का या जैसे इनका जैसे पेट फुला हुआ जैसे नहीं रहता ज्यादा से, जैसे ये पेट तो इसको खुराक एनी टाइम हमेशा ही इसकी एक ही खुराक है, वही डाइट चलती है। जैसे फिट रहते हैं, फिट है उसको, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी की तुम भूल नहीं या कुछ ऐसा हो। जितना उनको खाना वो खा लेंगे, वो डाल देते हैं तो उनकी खुराक है जितना खा लेते हैं। अच्छा। तो बताइए इसकी जैसे क्या है, इसकी कितने दांत का है ये वाला? ये दो कितने दांत का होगा? ये 6 दांत पे। 6 दांत पे। वजन क्या होगा इसका? इसका वजन 100 प्लस है। 100 प्लस का है? 100 प्लस का नहीं लग रहा है। नहीं, 100 प्लस का है। देखो, 100 प्लस का है। इसमें से 10 लोट में 60 बकरे का लोट है अभी। अच्छा। इसमें से 10-15 बकरे तो 100 प्लस ही है। अच्छा। और ये वाला? इसकी देख लो अभी, इसको देख लो, पकड़ देखो। ये बिल्कुल 100 प्लस के लग रहा है। ये भी 100 प्लस, उसकी थोड़ी हाइट कम है लेकिन वो ज्यादा मोटा है, इसकी हाइट ज्यादा है। अच्छा। ये सिरोही है ना? हाँ, सब ये सिरोही है सब। इसमें से 2-4 ये भी 6 दांत पे ही। 6 दांत पे क्या है? अच्छा। ये खस्सी है? हाँ, खस्सी है, सब खस्सी है, सारे खस्सी है। हाँ। और ये वाला? ये क्या वजन का होगा? ये 80 किलो के आसपास। 80 किलो का? 80 किलो नहीं लग रहा है यार। नहीं नहीं है, आसपास का लग रहा है। नहीं नहीं, 75-80 किलो का है। चलो वो तो वैसे भी नक के हिसाब से, वो नक के हिसाब से यार वजन होगा तो वो तो कांटे में हो जाएगा, क्या दिक्कत। और ये वाला उधर का, ये क्या वजन का होगा? ये 85 किलो के आसपास। ये 6 दांत का होगा? ये 4 दांत का है। इसमें 4 दांत, 6 दांत, 2 दांत के बहुत कम बचे। अच्छा अच्छा 4 दांत और 6 दांत के। अच्छा। अब इसको देखो। ये क्या वजन का होगा? ये 95-100। एवरेज वजन मतलब 80 किलो लगा? 80। हाँ, सारा टोटल का एवरेज वेट 80 किलो से भारी है। अच्छा। और इधर इधर देखते हो, उधर एक इसको देख लो, देखो। अच्छा केसर जी, इसका बताइए क्या है इसका वजन वगैरह? ये 90 किलो। 90 किलो का अच्छा। अजमेरा है ये? हाँ, अजमेरा। कस्सी है ना? कस्सी है सब, अंडूल है कि नहीं इसमें? पूरा लोड में सब कस्सी है। कितना है लोड ये टोटल? ये 55-60 पीस, 60 पीस का लोड है। 60 पीस का है। तो इसमें एवरेज तो जैसे 50 kg से चलो लग रहा है। हाँ, 50 से लेके 110 तक है। हाँ, और टोटल एवरेज वेट आ जाएगा इनका। अच्छा। मतलब 80 किलो, 75-80 किलो का। ये लोट है जो मतलब लोट के हिसाब से है या मतलब तोल के हिसाब से है? अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए जैसे सेल का क्या रहेगा इसके अंदर? पट्टी से दे देंगे, सारा एक साथ लेंगे तो उस हिसाब से दे देंगे, चाट के लेंगे तो अलग रेट हो जाएगा। अच्छा, अलग रेट हो जाएगा। तो पट्टी की क्या एवरेज रहेगा इसका? सारों का पट्टी अगर पट्टी से लेंगे तो 27-28 मतलब 28,000 27,000 फाइनली रेट। अच्छा। कि मतलब ये 80 kg का है इस वजह से, पहले अपने 70 kg का लोड था। हाँ, वो 70 का, तो वो 25,000, वो 25 का, ये मतलब 70,000 तक का। हाँ। अच्छा अच्छा। और वेट तोल के हिसाब से होगा तो 350। तो वैसे मेरे हिसाब से तो ये जैसे पट्टी के हिसाब से खरीदना ही बेटर रहता होगा।
वो अगले पालती के ऊपर निर्भर है, अगर आप उसको जो उचित लगे उनको। तो एक बार दिखा देते हैं सारे सारा मैं यहाँ।